बोला तो माता चुप रहे। देख चोरों कैसे भड़क रही। लव लव हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू मनोज व्लॉग। तो गाइस मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और वैसे तो आज हम जल्दी जग गए क्योंकि मैं तो रात को लेट तक सोता हूँ, तो मैं जगता हूँ कम से कम 8 या 8:30 बजे तक और आज जग गए 6 बजे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि गाइस गांव से कोई यानी गांव से मम्मी जी आने वाली हैं और वो यानी कि अभी कुछ टाइम पहले माला खेड़ा थी, तो थोड़ा घर का काम करेंगे और देखो मनु जी लगे हुए हैं काम करने में। पीछे से ले लो तो पीछे कैमरे। तो गाइस मनु जी लगा रहे हैं पहुंचा। गाइस सुबह इतनी सर्दी है जी, तो नहीं सर्दी में। तो गाइस आज आ रही है मेरी सासू, बहुत दिन बाद मिलेंगे हम, 1.5 महीने बाद मिलेंगे कम से कम। हाँ 1.5 महीने बाद मिलेंगे, 1.5 महीने बाद मिलेंगे। तो गाइस वो आज सता देना, तो सभी को आपको हैप्पी मकर संक्रांति। सुबह सुबह बिगड़ नहाए धोए गाइस, पहले काम करेंगे फिर उसके बाद धोएंगे नहाएंगे फिर आपको जी से मिलवाएंगे। और आज ही वो वाली रस्म भी करने वाली है, वो जो चूड़ा फहराने वाली रस्म चल रही थी ना, तो वो वाली रस्म पहले उनको आना नहीं हुआ था क्योंकि गाँव में बहुत सारी भैंस है इस वजह से, और हमारा भी इधर जाना नहीं हुआ क्योंकि दादाजी रहते हैं इस वजह से। तो अब जीजी इधर ही आ रही है तो आपको दिखाएंगे, जीजी चूड़ा वूड़ा पहनाते हैं ना वो वाली रस्म, तो मैं उनके लिए क्या लेके आती हूँ देखते हैं। अभी जीजी अचानक आई है तो अब मुझे जाना है लेने के लिए, अभी लेके जाएंगे। काम कर लेते हो जल्दी जल्दी, इस वजह से इतनी जल्दी जाएगी। जब तो जाती हूँ फिर भी बिस्तर में पड़ी रहती हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। पोंछा सुखाने के लिए देखो मनु जी ने पंखा चला दिया सर्दी में, सर्दी जल्दी जल्दी सूख जाए, सूख की डोर घूमेंगे नहीं तो गंदा कर देंगे वापस, सर्दी में मारेगी। इतनी सर्दी लग रही है, कप कप आ रहे हैं देखो हाथ। काम करते टाइम सर्दी नहीं लगती आपको? नहीं लगती। और बोल रही ऊपर बैठ जाओ, पैर नीचे बैठे को धरती पे तो ताकि उसमें छप जाएंगे ना, इस वजह से गीला है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर का टाइम पंखा चल रहा है तो सूख जाएंगे। गाइस आप सभी ने अभी देखा था सुबह सुबह हम इतनी जल्दी जगे थे, तो वो आपको पता था कि हम इतनी जल्दी क्यों जगे, क्योंकि जीजी आई थी मतलब कि सासू माँ आई थी और आज मकर संक्रांति है तो वो आज उनके मतलब यहीं पे रहते हैं उनके पियर वाले भी, तो मामा जी मामी ससुर जी, तो वो उनसे उनके पास यहीं फिर उनके पास आके वो चूड़े वाली रस्म करेंगी। तो उससे पहले जीजी अचानक आई क्योंकि उनका कोई प्लान नहीं था कि वो आएंगी भी नहीं आएंगी, अगर बता देते पहले तो हम कपड़े खरीद के आ जाते। तो अब जा रहे हैं गाइस हम लहंगा लुगड़ी की दुकान पे शॉप पे, तो लहंगे के लिए लेके आते हैं कुछ ड्रेस। वैसे वो मना कर रहे थे पर ऐसा है कि देते हैं इस वजह से ले आते हैं ना, तो चलो चलते हैं और दुकान पे चलेंगे, पहले मम्मी घर पे चलेंगे फिर दुकान पे चलेंगे। और भी अभी तो आप जा रहे हैं कहीं पे, तो इस वजह से ब्लॉग में मैं दीदी देवर जी नाना तो नाना जी भी आ रही है आज मकर संक्रांति पर, तो वो भी आप सबको देखने को करेंगी पूरी। तो चलो चलते हैं शॉप पर और उनके लिए अच्छी ड्रेस लेके आते हैं। चलो सर्दी लग रही है इस वजह से मैं ये पहन लेती हूँ, ठीक लगेगा एकदम। आ जाओ। और वीर जी देखो रेडी हो चुके हैं, ये भी जाने वाले हैं, ये फिर मेरे साथ तो थोड़ी दूर तक ही जाएंगे बस। और वीर जी रेडी हो चुके हैं और ये इनके जियाजी के साथ जा रहे हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने और कुछ थोड़ा सा अपना काम करके आएंगे, थोड़ा कुछ काम है तो इस वजह से, और थोड़ा घूम भी आएंगे तो दो काम करेंगे एक साथ में। हाँ तो ये और इनके जिया जी दोनों साथ में जाएंगे, हमको इधर छोड़ के आपको दिखा भी देते लेकिन मेरे पास फोन मनु जी रख लेंगे मेरे फोन। हाँ क्योंकि मैं इस पे ब्लॉगिंग करती हूँ इस वजह से इस फोन को मैं यहीं पे रखूंगी, बिगर फोन ही जाएंगे, अगर चाहेंगे तो मेरा ले जाएंगे। ठीक है तो चलो चलते हैं, गेट से बाहर निकलो यहाँ तक लूँगा। तो गाइस वीर जी निकल गया तो चलो चलते हैं, रास्ते में बताएंगे। तो गाइस हम जा रहे हैं, मैं देवी कहाँ जा रहे हैं देवी कपड़ा। तो गाइस अब लहंगे लुगड़ी की दुकान पे जा रहे हैं, लहंगे लुगड़ी लेके आएंगे। मम्मी घर पे आए पहले, मम्मी लेट जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा नहीं आता इस वजह से।
तू देख ले। ले जाओ दुकान देखो घूमबा जा रहा है मैं सोच रही हूं अच्छा घूम जा रहे हैं ना बाबा ले रहे हैं जब मेरी चलो मैं अपना लौट रही थी वो देख पूजा किस लोग उड़ी आ रही है अंकल उड़ी आ रही है ई हाँ हाँ अलग है सुमन की भी है ना अच्छी लग रही है हम बात छीन में तेरी तू ले रही थी तू ले ले हमारी मम्मी अच्छी लग रही है तेरे कहाँ ने मेरे पे जाऊँ इन कलाई दे दी सीएम तो लूटेंगे अलग अलग तो अंकल जी का टूर ना ले किसी को ना मैं सामी रुके मैं रुके इधर सच ना दी वीडियो इधर फाइल तो गाइस मैं रुकी हूँ इस वजह से यहाँ पे तो इस वजह से पकौड़े बना रहे वापस स्टोर नाश्ता में खाने के लिए नहीं तो ये सब रिश्तेदार हम जा रहे हैं सब उनको पेट भर बस मेरे काम धोगो मत चलो ना वो तू किसे बैठे तेरे ऊपर ना गिर जा कहीं कितना दूर है वो कौन है तभी ना मत चाहिए चिंता क्या बात पकोड़ी बना रहे हैं हम देखो पकोड़ी इधर कितनी बार मैं दो तीन बार डाल दी मुझे ना सारा आज पकोड़ी बना रहे कम है दस लगे अच्छी को ना रही वीडियो दीदी अच्छी आ रही थोड़े वक्त कष्ट कर भाया को लाइट ऑन कर भाया पहन ले ऑन नहीं लाइट तो इनके ला या के ला बिंटू के सरिता के ला दोनों बहन भाई क्या कट्टा हो ये कट्टा दे 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 अब तो मत कर दे बोलो बोलो देख चलो कैसे भड़क रहे ले बोलो दोबारा अच्छी आ रही है छोटी देर है ना बोलो कुछ निकाल दूँ जस्ट जितना नहीं कहीं फोन ले रहा
वीडियो इसको खैर गया, मैं इसको और से कर रही हूं। आधी तोड़ ले बीच में कर पूरी ज्यादा बड़ी रहेगी जम पहन लिए और उसका गेम बंद ही मेरी बंद पूरी बनी थोड़ी है बंद पूरी दिल वीडियो रे दीदी आप पकड़ो ये वाला फोन आप पकड़ो मेरी रील बटन छोड़ो भरा जो ले ले चेक कर रही हूं हां अरे वो बना रही है ना मैं सॉफ्टवेयर बना दे।